हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी अजी वसीम चैनल में। इस आज की वीडियो में हम पोको M6 Pro 5G वर्सेस Realme 12X 5G के बीच में BGMI का डिटेल कंपैरिजन करेंगे, बैटरी रन टेस्ट करेंगे, इनके आपको बताएंगे कौन कैसा FPS प्रोवाइड करता है एंड किस में GFX टूल यूज़ करके आप 60 FPS पे गेमिंग कर पाएंगे। सो ये सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को एंड तक, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलरेडी गाइस, तो सबसे पहले हम Realme 12X 5G में प्ले करेंगे। ओके, तो BGMI में हम एंटर हो चुके हैं। सेटिंग में ले चलें तो देख सकते हैं स्मूथ और अल्ट्रा मैक्स ये सपोर्ट करता है, तो इसी सेटिंग पे हम प्ले करेंगे। एंड गाइस, टाइमिंग की बात कर ली जाए तो 7:14 हो रहा है एंड बैटरी परसेंटेज फिलहाल 94 पे है, तो देखेंगे इस आफ्टर प्ले कितना ड्रेन करता है। अब गाइस, इस फ़ोन में आपको जायरो का सेंसर देखने को मिल जाता है एंड जायरो अच्छा परफॉर्म करता है, बट क्योंकि ये सिर्फ 40 FPS सपोर्ट करता है तो बहुत ज़्यादा स्मूथ फील नहीं होता है, बट जायरो का सेंसर देखने को मिलता है हार्डवेयर के थ्रू, जिसके वजह से मतलब अच्छा देखने को मिलता है, जायरो में डिले फील नहीं होता है। अब दोस्त, यहाँ बात करते हैं इस फ़ोन की स्पेक्स के बारे में। तो 5000 mAh की बैटरी है, 45W का फास्ट चार्जर है, डुअल स्पीकर का सपोर्ट है, 120Hz का डिस्प्ले है। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है गाइस Dimensity का 6100+ प्रोसेसर, जो कि अच्छा प्रोसेसर है एक्चुअल में। अब दोस्त, यहाँ पे बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे 40 FPS मैक्स सपोर्ट करता है जैसे कि आपको पता है, एंड मैंने लाइव FPS करके भी टेस्ट किया है, इस वीडियो में नहीं किया बट मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। तो गाइस, वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि ये मतलब 40 FPS चिपक के प्रोवाइड करता है, 38 to 40 के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है, तो वहाँ पे भाई FPS से रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट बहुत ज़्यादा स्मूथ फील नहीं होगा बिकॉज 40 FPS सपोर्ट कर रहा है ना, इस वजह से। तो ओवरऑल ठीक ठाक गेमिंग आप इसमें कर सकते हैं 40 FPS पे, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है एंड बहुत अच्छा भी नहीं है, एंड जनरली मतलब इस प्राइस रेंज में आपको कुछ ऐसे ही गेमिंग्स करने को मिल जाते हैं। अब दोस्त, यहाँ पे बात करते हैं इसमें 60 FPS सपोर्ट करता है या नहीं, यानी कि GFX टूल की हेल्प से। तो भाई पता नहीं इस फ़ोन में क्या दिक्कत है, मैंने GFX टूल इंस्टॉल किया था एंड ट्राई किया कि भाई उसमें वर्क कर ले, बट वो वर्क ही नहीं कर रहा है GFX टूल। तो यहाँ पे 60 FPS पे प्ले नहीं कर सकते हैं। मैं भी कुछ दिनों बाद GFX टूल अपडेट हो जाए तो मैं भी वर्क कर ले, अभी के लिए तो मैं नहीं यूज़ कर पाया, सो आई थिंक अभी वर्क नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल मतलब 60 FPS तो नहीं सपोर्ट कर रहा है, बट 40 FPS के हिसाब से अच्छा देखने को मिल जाता है, डुअल स्पीकर अच्छा है सिंगल स्पीकर के मुकाबले। बैटरी बैकअप के बारे में आगे बताएंगे। हीटिंग इशू इस फोन में बिल्कुल ही नहीं है, काफ़ी अच्छे से कितना भी देर गेमिंग कीजिए कोई भी आपको मेजर दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो दोस्त थोड़ा सा गेम प्ले देखिए, फिर हम प्ले करते हैं पोको M6 Pro 5G में एंड फिर एंड में बताते हैं कौन सा बेस्ट है। फाइनली गाइस, गेम प्ले हमारा हो चुका है कंप्लीट एंड अच्छा गेमिंग हो जाता है 40 FPS के हिसाब से। बाकी टाइम देख सकते हैं और ये गाइस 13 मिनट में 3% डिक्रीज़ किया है, तो बैटरी बैकअप अच्छा है, बैटरी ड्रेन कोई भी देखने को नहीं मिलता है, काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाता है एंड हीटिंग इशू भी इस डिवाइस में बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलता है। अब दोस्त, यहाँ पर हम प्ले करते हैं पोको M6 Pro 5G में एंड गाइस सेटिंग में ले चलूँ तो ये भी सेम ही सेटिंग सपोर्ट करता है, स्मूथ प्लस अल्ट्रा यानी कि 40 FPS। अब गाइस, यहाँ पे टाइमिंग की बात कर ली जाए तो 10:20 हो रहा है एंड बैटरी परसेंटेज है फिलहाल 91 पे, तो देखते हैं कि इस आफ्टर प्ले ये कितना ड्रेन करता है। अब दोस्त, इस फोन की स्पेक्स की बात की जाए, सबसे पहले जायरो की बात कर ली जाए तो इस डिवाइस में आपको जायरो सेंसर देखने को नहीं मिलता है। अगर रियलमी से कंपेयर किया जाए तो बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर कमियाँ देखने को मिलेगी आपको। सबसे पहले जायरो देखने को नहीं मिलेगा, रियलमी में आपको डुअल स्पीकर देखने को मिलता है, इसमें सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है एंड इसका स्पीकर की क्वालिटी लाउडनेस बहुत ही
ही लो लगी मुझे, मतलब और बेटर हो सकता था बट नहीं है। इसके अलावा इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले फुल एचडी प्लस के साथ में देखने को मिलता है, वहीं पे 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले रियल मी 12X में देखने को मिलता है फुल एचडी प्लस के ही साथ में। इसके अलावा इस यहाँ पे आपको 5000 एमएएच की बैटरी मिलती है बट चार्जिंग इसमें सिर्फ 18 वाट का ही देखने को मिलता है चार्जर, और वहीं पर रियल मी 12X में 5000 एमएएच की बैटरी एंड 45 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ों में ये पीछे रहता है। अब दोस्त यहाँ पे प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन का 4Gen2 प्रोसेसर जो कि अच्छा है एंड काफ़ी हद तक सिमिलर ही कहा जा सकता है इन दोनों को, डिमेंसिटी 6100 प्लस को और इसको। बाकी इस यहाँ पे अब बात करते हैं गेमिंग के बारे में तो 40fps मैक्स सपोर्ट करते हैं एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर ही परफॉर्म करते हैं दोनों ही, FPS ड्रॉप नोटिस नहीं हुआ दोनों में ही, दोनों ही 40fps के हिसाब से अच्छी गेमिंग कर लेते हैं। बट इसमें आपको जायरो सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, जो जायरो प्लेयर होंगे उनको दिक्कत होगा, बाकी तो मैं नहीं। इसके अलावा इस यहाँ पे GFX टूल आप मस्त यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा से सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड जब GFX टूल आप यूज़ कीजिएगा उस टाइम पे ये बहुत मक्खन मतलब गेमिंग नहीं कराता है, उस टाइम पे भी थोड़ा ये फ्रेम ड्रॉप जैसा नोटिस होता है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर GFX टूल जब यूज़ करेंगे तो 40fps से बेटर आपको एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, तो कुछ ऐसा आपको एक्सपीरियंस डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। अभी दोस्त यहाँ पे गेम प्ले देखिए थोड़ा एंड फिर एंड में बताते हैं कि कौन सा लेना चाहिए आपको। ऑलरेडी गाइस तो यहाँ पे गेम प्ले हमारा हो चुका है कंप्लीट, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ये अभी प्रोवाइड कर देता है एंड गाइस कोई लैग वगैरह नहीं देखने को मिला। बाकी गाइस यहाँ पे टाइम देख सकते हैं आप और ये 13 मिनट में सेम ही 3% डिक्रीज़ किया है, तो बैटरी बैकअप दोनों की ही मुझे अच्छी लगी एंड यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि किसमें क्या एडवांटेज देखने को मिलते हैं। तो रियल मी 12X ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है बट उसमें सिर्फ एक ही दिक्कत है कि 60fps GFX टूल के वजह से नहीं सपोर्ट करता है, बट मैं भी फ्यूचर में सपोर्ट कर ले तो ओवरऑल Realme 12X बेटर है। सो दोस्त फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।